पेलोड क्या होता है? Got it. क्या बोला इसने कि अगर उसको कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो ड्रोन के अंदर अगर कोई चीजें अटैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेलोड. क्लियर हुआ पेलोड का मतलब? ठीक है, तो हमारे पास पेलोड क्या होगा? जो भी आप पाई के अंदर कोडिंग लिख रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पर एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी होगी, उसको रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करना है, ठीक है, और एक यूआरएल हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूआरएल आप मुझे बताओगे कि आप कौन सा फंक्शनैलिटी कर रहे हो, वो यूआरएल हम देंगे, और यहां पर आप पेलोड पास करोगे डिक्शनरी के टर्म्स में. किसमें? डिक्शनरी में. डिक्शनरी में क्या होता है? की वैल्यू का पेयर होता है, तो की क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक सेंसर कोलन और वैल्यू. वैल्यू की जगह हम बोल देते हैं डिस्टेंस. ठीक है, तो मान लो कि ये यूआरएल हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है, इस वाले में क्या करोगे? इस वाले में सम की जगह कोई डिक्शनरी होगा और यहां पर सम वैल्यू की जगह क्या होगा? ये डिस्टेंस वाला वैल्यू होगा. नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है, तो डिस्टेंस वाला वैल्यू होगा और फिर आप क्या कर दोगे? रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर दोगे. तो जैसे ही आप ये चीज करोगे, ठीक है, आपका जो टेबल होगा ना, टेबल होगा जिसके अंदर डिस्टेंस, डेट, टाइम, स्टेटस ऐसे चार कॉलम बने होंगे, ठीक है. जैसे ही ये वाला कोड आप लिखोगे, इसमें डिस्टेंस आने लगेगा 3 सेंटीमीटर, डेट लेट से आज का डेट ले लो, आज का डेट क्या है? 7, 6 May. ठीक है, सो गाइस इस तरीके से आपका ऐसे लॉग बनने लगेगा. इसको क्या बोलते हैं? लॉग. तो अगर ये डेटा आने लगेगा आपके पास, तो डेटा कहां से आ रहा है? यहां पर रसोई पाई की कोडिंग लिखी आपने, यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आपको एक यूआरएल मांगना है, रिवाइविंग इंडिया की यूआरएल प्रोवाइड करेगी. ठीक है, अब यूआरएल कैसे बना है वो उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हो, बट यू नीड नॉट टू फोकस ऑन दैट. यूआरएल मांगा, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करना है? यहां पर कोई नाम पास करना है डिस्टेंस, और यहां पर डिस्टेंस का वेरिएबल, जो कि वेरिएबल आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो. क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे ही आप करोगे हमारे पास डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा. यहां पर किसी को डाउट है? ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? गेट ऑपरेशन. गेट ऑपरेशन क्या करता है? डेटा गेट करता है. डेटा गेट कहां से करेगा? लॉग से. करेक्ट, तो यहां का टेबल से करेगा. तो अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है? एक डेटा मॉडलिंग डिजाइन करनी है जो कि सारी मॉडल करता है. तो वी विल बी डिजाइनिंग द डेटा मॉडलिंग, और डेटा मॉडल डिजाइनिंग के बाद हम कौन सी सर्विसेज यूज करेंगे? पोस्ट सर्विस और गेस्ट सर्विस. पोस्ट सर्विस कहां यूज होगी? रसबरी पाई और कंट्रोलर के अंदर होगी. ठीक है, और पोस्ट सर्विस क्या लेती है? पेलोड लेती है, सेंसर का पेलोड. ठीक है, सेंसर का पेलोड लेगी और पेलोड क्या करेगा? यहां पर आपको टेबल फॉर्म करता चला जाएगा. तो इस तरीके से रिकॉर्ड बनता चलाएगा, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जब तक आपका सेंसर ऑन है वो डेटा क्रिएट कर देगा. क्लियर हो? सो दिस इज द 3-4 lines ऑफ कोड जो आपको रसबरी पाई के अंदर आपको प्लॉट करना पड़ेगा. दिख रहा है यहां पर क्या लिखा है? पोस्ट का मतलब क्या है? टू सबमिट द डेटा प्रोसेस टू द सर्वर. ठीक है, तो ये पोस्ट एपीआई कहां पर होगी? डिवाइस में होगा कि डिवाइस के बाहर होगा? डिवाइस के अंदर होगी. ठीक है, तो इसका मतलब पोस्ट एपीआई कहां लिखा है? डिवाइस के अंदर. और गेट एपीआई कहां होगी? डिवाइस के बाहर. आप कहीं भी
अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं भी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे क्या कर सकते हैं, आप गेट कर सकते हैं। और गेट कैसे कर सकते हैं, अगेन क्या होगा, मैं आपको एक यूआरएल दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है, आप देखिए कैसे ये एपीआई इंपोर्ट कर रहा है। ये आपको मैं यूआरएल दूंगा, बेसिकली आपके पास एक पेलोड होगा, पेलोड का मतलब होगा आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, ताकि आगे आपको ऑथराइज करेगा। और बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट गेट करना है, ये यूआरएल करना है, छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे और आपको डेटा गेट करने मिल जाएगा। तो डेटा गेट का मतलब क्या होता है कि टेबल से डेटा गेट करना, जो कि आपका रसबरी पाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डेटा को स्टोर कर रहा है एक टेबल के अंदर। तो दिस इज द लॉजिकल गाइस। तो आपके पास कुछ भी हो, डजंट मैटर, यहां पर कोई भी एक्चुएटर्स हो सकता है, ठीक है। यहां पर एक्चुएटर्स के नाम पे एलईडी भी रख लोगे तो एलईडी भी पता लगने लगेगा मेरे पास कि एलईडी कितने देर ग्लो कर रहा है। चलो एक बिजनेस प्रॉब्लम देता हूं मैं, कि अगर मेरा ड्रोन ऑन होता है तो मुझे कैसे पता लगेगा, कोई बताएगा मुझे? एलईडी कोई मुझे ब्लॉक डायग्राम समझा दो कि सर मैंने ड्रोन पढ़ा है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं उसके अंदर रसबरी पाई लगा देता हूं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ड्रोन ऑन हो गया और फ्लाई करने लगा है? दोनों में आप कौन सा सेंसर ऐसा यूज करोगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ड्रोन फ्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ड्रोन ऑन है कि नहीं हो रहा है, कौन बताएगा? इसमें हम दो तरीके के सेंसर सर यूज कर पाएंगे। एक तो अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसमें एक लाइक हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर नीचे साइड ड्रोन में लगा दिया, जैसे ही वो लिफ्ट करेगा तो वो हमें डिस्टेंस, हम लोग उसे डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस पे उठ रहा है और चारों मतलब सेम है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि ड्रोन मेरा एयर में, हवा में। प्लस एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, हमारे जो चार मोटर है, चार मोटर पे पूरे में तो ब्लैक स्ट्रिप और एक व्हाइट स्ट्रिप छोटी सी लगा देंगे कट करके, और हर मोटर के फ्रेम पर एक आईआर सेंसर लगा देंगे चारों मोटर्स पर, और जैसे ही वो आईआर सेंसर करता क्या है, ब्लैक व्हाइट का उसे पता रहता है। अब जैसे ही मोटर रोटेट करेगी, मेरे आईआर सेंसर के थ्रू मैं एक डेटा इनपुट ले सकता हूँ, उससे मेरा पता चल सकता है मेरी चारों मोटर घूम रही है और सेम स्पीड में घूम रही है। वो एक मेथड हम यूज करते हैं कि मोटर की आरपीएम जानने के लिए, तो इस टाइप का भी हम कुछ कर सकते हैं ताकि पता चल सके। तो पहला प्रॉब्लम तो मुझे इसका अच्छा लगा, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। सेकंड, इसको आईआर सेंसर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंट्रोलर से आप कोई भी मोटर कनेक्ट कर सकते हो। जब मोटर आप कनेक्ट कर सकते हो तो जब मोटर घूमेगा तो उसकी आरपीएम वैल्यू मिलेगी पीडब्ल्यूएम विड्थ से, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पर पीडब्ल्यूएम से क्या होता है, मोटर की स्पीड को हम क्या करते हैं मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। तो पीडब्ल्यूएम की हेल्प से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें तो आईआर सेंसर लगाने की जरूरत नहीं है। बट सेकंड थिंग विच ही टोल्ड कि अल्ट्रासोनिक लगा देंगे तो जब भी वो फ्लाई करेगा तो अल्ट्रासोनिक की रेंज क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करेगी, इनफाइनाइट जाएगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, क्योंकि फ्लाई करेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, दैट इज हाउ पता लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ गाइज गेट और पोस्ट मेथड यूज होता है, ठीक है। बस मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या करते हैं, एंड दैट इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड जैंगो। तो गाइज जो हम यूआरएल डिजाइन कर रहे हैं वो यूआरएल अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको जैंगो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो जैंगो की हेल्प से आप बेसिकली पूरा का पूरा ये यूआरएल पे डिजाइन करते हो, जो यूआरएल आप हमसे ले रहे हो उनका कर, ठीक है, ठीक है। सो यहां से लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कैसे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है। दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। अब इस रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, एक रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज कॉल अबाउट रिक्वेस्ट, यहां से बताऊंगा। जब आपका सेंसर डिस्टेंस लेके आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, डेटा को रिक्वेस्ट ही तो भेज रहा है, ठीक है। आइदर ये पहला रिक्वेस्ट है कि डेटा जो भी पेलोड है, आई विल नॉट टॉक अबाउट डेटा, दैट इज पेलोड, ठीक है। पेलोड को क्या करना है, वो बोल रहा है कि एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप डेटा के बेस के अंदर फीड कर दो, दैट इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट।
सेकेंड रिक्वेस्ट क्या है, वो गेट एपीआई बोल रहा है कि जो भी आपको डेटा टाइम टू टाइम मिल रहा है वो डेटा मुझे दे दो. दैट इज अ टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, और कोई रिक्वेस्ट नहीं होता. दैट इज अ फर्स्ट एंड सेकेंड रिक्वेस्ट. फर्स्ट इज रिक्वेस्ट इज यू सेंडिंग अ डेटा कंटिन्यूअसली एंड यू आर गेटिंग अ डेटा कंटिन्यूअसली. सेकेंड इज यूआरएल पैटर्न, ठीक है. तो जब भी आप मुझे बताओ कि फेसबुक पे आप जब लॉगिन करते हो तो आप क्या करते हो, एक इतना बड़ा यूआरएल जो हिट करते हो, ठीक है. सो दैट इज का मतलब है, सबसे पहला अगर आप डिजाइनिंग करनी है तो कोई आपका एंड पॉइंट होगा. एंड पॉइंट का मतलब जैसे मेरी वेबसाइट है, एमआईटी की वेबसाइट है, तो कोई ना कोई एक एंड पॉइंट है ना, kumarpraveen.com मेरी वेबसाइट का नाम है, एमआईटी का www.mit.com है. तो उसी तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट होता है जो हमारा उस जो रिक्वेस्ट है उस एंड पॉइंट पे आएगा. दैट इज कॉल्ड यूआरएल पैटर्न, जो कि यूआरएल में दिखाया था. दिस इज द सेकंड ब्लॉक डायग्राम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद यूआरएल पैटर्न क्या करता है, व्यू के पास आता है. व्यू का मतलब क्या है, जैसे ही आप हिट करते हो तो आपको क्या करता है, वेबसाइट मिलती है. सो दैट इज कॉल्ड अ व्यू, ठीक है, कि आपको एक प्रॉपरली व्यू मिल रहा है, एक वेबसाइट मिल रही है. नाउ सेकंड कम्स अ सीरियलाइजर. तो सीरियलाइजर का मतलब होता है कि अगर आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन करते समय आपने कुछ डेटा प्रोवाइड किया होगा, दैट इज कॉल्ड यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा, तो वो जो व्यू क्या करेगा, जो भी आपने व्यू पे यूआई पे जो डेटा दिया होगा वो डेटा सीरियलाइजर के पास लेके चला जाएगा. वहां वैलिडेट करेगा कि ये डेटा है भी, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ये डेटा रिक्वायर्ड है भी कि नहीं रिक्वायर्ड है. ठीक है, अगेन जब आपके पास डेटा आ गया तो वो कहां सेव कर देगा डेटा को, मॉडल, ठीक है, जो कि आपका डेटाबेस है. एंड देन लास्टली वो व्यू को देगा. करेक्ट एप्लीकेशन में तो साइन अप में आपने यूआरएल पे गए, एक यूआई मिला, यूआई में आपने यूजर नेम आईडी पासवर्ड दिया, सीरियलाइजर के पास गया, वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद कहां सेव हुआ, डेटाबेस में सेव हुआ. डेटाबेस के बाद क्या होता है, फिर से एक आपको स्क्रीन मिलती है जिसमें बताता है कि दैट यू हैव साइन अप सक्सेसफुली और आपको एक रिस्पांस मिल जाता है. ये तो एक पहला सिनेरियो, आप मुझे 10 सिनेरियो बताओ, 10 सिनेरियो में यही आएगा. दूसरा सिनेरियो है कि मुझे एक गेट एपीआई गेट करना है, ठीक है, मैं कॉन्टिन्यूसली डेटा गेट करना चाहता हूँ. ओके, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डेटा गेट करने के लिए, डेटा मैंने गेट किया, ठीक है, मुझे एक व्यू मिलेगा ऑफकोर्स, और मैं जो डेटा गेट करना चाह रहा हूँ मैं एक पैटर्न दूंगा कि मुझे आज का डेटा चाहिए, कल का डेटा चाहिए. तो ऑफकोर्स मैं कोई इनपुट दूंगा, वो इनपुट यहां जाएगा कि मुझे आज का डेटा चाहिए, और वो मॉडल से डेटा को निकालेगा और एक फिर व्यू में देगा और रिस्पॉन्स मुझे दे देगा. सो दिस इज द इंटायर ब्लॉक डायग्राम विच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सर्वर, जो भी आपको पोस्ट और गेट एपीआई करना है. इसके बाद का कुछ नहीं है ना इसके पहले का कुछ है, सिर्फ दिस इज ऑल अबाउट. एनी क्वेश्चन इसमें आप पूछ सकते हो, कोई सिनेरियो डाल सकते हो, कोई भी आपके दिमाग में सिनेरियो आ रहा है. 2 मिनट पॉज, आप बताओ कोई डाउट या कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई सिनेरियो के एग्जांपल देखिए. सो दिस इज द एंड टू एंड एप्लीकेशन विच इज डिजाइन, ठीक है, और इसी एप्लीकेशन को आप कोई भी आईओटी प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है. तो दिस इज वन एप्लीकेशन विच इज यूज बाय आईओटी एप्लीकेशन. आईओटी के अंदर आप या तो कंट्रोलर को डाल दो या तो आप ड्रोन को डालो, ठीक है. अब ये जब एप्लीकेशन बन जाता है तो क्या तुमको लगता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म कितने हैं, हमारे पास विंडोज प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है, हमारे पास डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है, एप्पल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है. तो क्या ये एप्लीकेशन सफिशियंट है सारे प्लेटफॉर्म के लिए, कि एज मैं एप्पल यूजर हूं तो क्या मैं एप्पल में भी डेटा ले सकता हूँ, क्या मैं विंडोज यूजर हूं तो विंडोज पे भी डेटा ले सकता हूँ, क्या दिस इज सफिशियंट, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोलती है कि ये सफिशियंट है. तो उसका आंसर है जी हाँ, ठीक है. अगर आप बेसिकली ये डिजाइन कर लोगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज अ यूनिक्स प्लेटफॉर्म, विंडोज,
मैक डजंट मैटर, ठीक है, ये हर एक इंडस्ट्री यूज करती है आपस में डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक टीसीएस हूं, सर बेसिकली इंफोसिस है, मैं मेरी जो कंपनी है वो जावा में काम करती है, सर की कंपनी पाइथन में काम करती है, बट मैंने एक सास सॉफ्टवेयर बनाया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और मैं टीसीएस बेच रही है, तो सर बोलेंगे कि दैट मुझे ये चाहिए, बट सर तो बोल रहे हैं कि मैं तो मेरी टीम पाइथन में काम करती है, मेरी टीम जावा में काम करती है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सपोज द एपीआई, हम एपीआई एक्सपोज करेंगे आपस में और वो डेटा में ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। दिस इज हाउ गाइस, ठीक है, आपने बेसिकली एक मॉडल डिजाइनिंग किया है, अगेन दिस इज जैंगो रेस्ट एपीआई, हर एक लैंग्वेज में होता है, जावा के अंदर भी रेस्ट एपीआई होता है, पीएचपी के अंदर भी होता है, बट सिंस वी आर वर्किंग इन अ पाइथन दैट्स व्हाई आई हैव शोड यू द जैंगो रेस्ट एपीआई। और एक बार अगर आप बात कर ले तो सारे प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। So these are the guys, these are the main thing, get, post, put, delete, ठीक है, थोड़ा सा shift हो गया, आप इसको मानो, get का मतलब होता है show all post, ठीक है, get का मतलब होता है जो भी data आप देना चाहते हो data ले सकते हो, post का मतलब होता है कोई नया data, नया payload डालना चाहते हो, sensor का नया data है तो डाल सकते हो, put का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर सकते हो, और delete का मतलब that's delete, so that's why एक famous word है that is called CRUD, ठीक है, अगर इंडस्ट्री में जाओगे और कभी इंटरव्यू में बैठते हो तो प्लीज ट्राई करके देखना, अगर वो तुमसे पूछते हैं कि आपको कोई लैंग्वेज आता है, बोलना यस आई नो द लैंग्वेज, आई नो द बेसिक क्रड ऑपरेशन, दे विल बिकम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी का रिसर्च होता है तो क्रड ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अपने लाइफ में कोई भी सिनेरियो निकाल लो, ये चार ऑप्शन आएंगे आएंगे, हमेशा आएंगे आएंगे, तुम छान मार लो, ठीक है, कि कोई भी चीज पहले बनाई जाती है, फिर उसे पढ़ी जाती है, फिर उसे अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है कि ये चार ऑपरेशन में से बीच में हो जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रड ऑपरेशन गाइस। ठीक है, मैं एप्लीकेशन का, दिस इज द लास्ट स्लाइड विच टेल यू कि एप्लीकेशन हमारा सेग्रीगेट कैसे है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन कैसे, सबसे पहले क्या आता है, एंड पॉइंट आता है, जब फेसबुक की जर्नी याद रखना, फेसबुक इज अ वेरी वेरी एग्जांपल, तो फेसबुक में सबसे पहले क्या करते हैं, यूआरएल पे हिट करते हैं, तो यूआरएल पे हिट किया, यूआरएल पे हिट करने के बाद क्या करते हैं, यूजर कुछ इनपुट प्रोवाइड करता है, इनपुट व्हाट इज द इनपुट, दैट इज कॉल्ड पेलोड, ठीक है, पेलोड दिया, पेलोड देने के बाद क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको हम डेटाबेस में सेव करते हैं, और डेटाबेस में सेव करने के बाद फिर यूजर को कुछ ना कुछ हम रिस्पॉन्स देते हैं, दिस इज ओनली 5 steps गाइस। सो जब प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, जैसे माई साइड टाइम का प्रोजेक्ट है, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, बट दिस इज द सेकेंड थिंग विच इज द ओनली रिक्वायर्ड, ओके, सो जब प्रोजेक्ट बनता है तो ये सारी फाइल्स बन जाती है, ठीक है, तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। सो जब आप पूरा एपीआई बनाने जाओगे किसी भी लैंग्वेज में, तो दीज आर द थ्री